अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मलाला के साथ मुलाकातें करते हो और मौलवी खादिम दहशतगर्द है। मलाला वो दुनिया की बदतरीन औरत है कि जिसने तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई हैं। हाँ, दुनिया में भी मालूम इसको होगा, कब्र में भी मालूम होगा और हशर में भी मालूम होगा। तुम मलाला को मिलते हो कुफर के कहने पर और 16 साल मुसलमानों की बेटी आफिया सिद्दीकी अमरीकी जेल में बैठी है और हर दिन वो अमरीका का सिपाहियों और फौजियों के ताने खाती है। सुबह जब दरवाजा खुलता है जेल का तो अमरीकी कहते हैं रात मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया। उस बेटी को मिलो जाकर, इसको मिलते हो जो कहती है कि मुसलमानों को सलमान रुश्दी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए था। सलमान रुश्दी दुनिया का बदतरीन गुस्ताख और तस्लीमा नसरीन दुनिया की बदतरीन गुस्ताखा, जिनकी मैं एक एक गुस्ताखी इसकी और दूसरी गुस्ताखी मैं तस्लीम नसरीन की बयान करूं तो आप मुझे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में कत्ल कर दे कि मौलाना उन्होंने तो ये बकवास किया था, आपने क्यों सुनाई ये बात। इतने बड़े गुस्ताख हैं, एक जो एक सिर्फ गुस्ताखी, पूरी किताब उसने लिखी हुजूर के खिलाफ। हाँ जी, मैं उसका 3 सत्रे नहीं पढ़ सका। हाँ, आज से 20 साल पहले की मैंने वो रखी हुई है खरीद कर, लेकिन मैं आने पता नहीं कहाँ पढ़ी है सही मेरी किताबों में। दोबारा मैंने उस किताब को अपनी निगाह से भी नहीं देखा, सिर्फ मैंने खोल कर 3 सत्रे पढ़ी थी, मैंने बंद कर दी। पूरी किताब कौन पढ़ सकता है कोई मुसलमान। उसको ये मिली है और उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें इसने बनवाई हैं। बताओ ए, मुल्क के जिम्मेदारों, मलाला को क्यों मिल रहे हो, क्या दुनिया को पैगाम देना चाहते हो, ये हमें बताओ, इसका जवाब दो। हाँ, पाकिस्तान गुस्ताखा ने रसूल को ऊपर जाने के लिए बना और जितने अरबों खरबों तुम कौम के खाते हो हिसाब मुझसे मांगते हो कि मौलवी खादिम रोटी कहां से खाता है, हिसाब तुम दो कि जिस मुल्क का तुम खाते हो और रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए ये मुल्क बना और तुम गुस्ताखों को प्रोटोकॉल देते हो, इसका जवाब मुझे दो। हाँ, ये तुम इतने, हाँ अगर तुम हुजूर के गुस्ताखों के साथ इतने आगे बढ़ गए हो तो तुम सोच ही नहीं सकते कि हम गुलामा ने रसूल किस हद तक आगे जा सकते। हाँ, ये तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है और इंशाल्लाह ये गलत फहमी तुम्हारी पहले भी दूर हुई है और आइंदा भी दूर होगी। हाँ जी, ये तो मत समझो कि हुजूर की तुम्हें तुम्हारी ये 2 जुमलों से हम खत्म नबुवत का काज छोड़ देंगे। ये तो ऐसा नशा है हुजूर की इज्जत आबरू और खत्म नबुवत पे काम करने का, ये ऐसा नशा है ये तो कब्र में भी नहीं उतरेगा, कल हशर में भी नहीं उतरेगा।